दिवाली का त्यौहार अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का जश्न मनाता है। इस पर्व की सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक है दिए जलाना, जो मिट्टी के बने छोटे दीपक होते हैं। त्यौहार के प्रत्येक दिन जलाए जाने वाले दीयों की संख्या हिंदू मान्यताओं के अनुसार अलग अलग होती है। घर के हर कोने को रोशन करने वाले इन दीयों के बिना रोशनी का त्यौहार अधूरा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किस दिन कितने दीये जलाना शुभ होता है। धनतेरस। धनतेरस के दिन 13 दीये जलाने की प्रथा है। इन दीयों को घर में अलग अलग जगहों पर रखना चाहिए, जिससे प्रवेश द्वार में, रसोई में और पूजा कक्ष में प्रत्येक दीये का अपना विशिष्ट अर्थ होता है। समृद्धि का प्रतीक माना जाता है कि दरवाजे पर रखा गया दीया मेहमानों के स्वागत और घर में समृद्धि का प्रतीक है। रसोई में रखे दीये प्रचुर मात्रा में भोजन और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है, और पूजा कक्ष में रखा गया दीया भगवान की पूजा और आशीर्वाद मांगने का प्रतीक है। छोटी दीपावली। छोटी दिवाली, जिसे काली चौदस भी कहा जाता है, पर 14 दिए जलाना शुभ माना जाता है। इन दियों को एक प्लेट में रखें, जिसके किनारे पर 11 दिए हो और बीच में एक चार मुख्य वाला दिया रखें। सबसे पहले 4 मुख्य वाला दिया जलाना चाहिए, उसके बाद बाकी 11 दिए जलाने चाहिए। कुछ लोग अच्छे और समृद्धि जीवन की अपनी इच्छा के प्रतीक के रूप में दियों में चीनी या अन्य मिठाइयां भी मिलाते हैं। बड़ी दिवाली। बड़ी दिवाली पर, जिसे लक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है, पूरे घर और आंगन में कई दिए जलाने की उम्मीद की जाती है। ये उज्जवल और समृद्ध भविष्य की इच्छा का प्रतीक है। कुछ लोग दिवाली की खुशियां दूसरों के साथ साझा करने के लिए अपनी बालकोनियों पर भी दिए जलाते हैं। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।